Dear parents and students, assalamu alaikum. We will discuss my numbers book, pre-3, page number 97. So please open your book. First of all, student, you must write down date here. इस पेज पे हम सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे और एडिशन भी पढ़ेंगे. सब्ट्रैक्शन, एडिशन. Each child has rupees 10. Each child has rupees 10. देखिए यहाँ पर ये चार बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 10 रुपये हैं. उसकी मामा ने उसको 10 रुपीज़ दिए हैं और ये बच्चे अपने लिए उन 10 रुपीज़ में डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो ख़रीदते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गर्ल ये क्या ख़रीदती हैं अपने लिए. ईच चाइल्ड हैज़ रुपीज़ 10. तो इन्होंने अपने लिए 8 रुपीज़ की बुक परचेज की है. आई हैव रुपीज़ डैश लेफ्ट. अब वो कह रही हैं मेरे पास 10 रुपीज़ थे, मैंने 8 रुपीज़ की तो बुक परचेज कर ली. अब देखते हैं कि बाकी उसके पास कितने रुपीज़ बचते हैं. तो हम इसको फिंगर से सॉल्व करेंगे. हर बच्चे के पास 10 रुपये थे, इसमें से गर्ल ने जो है वो अपने लिए 8 रुपीज़ की बुक ले ली. तो हम 8 को कट कर देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 रुपीज़ की उन्होंने अपने लिए बुक ख़रीद ली है. हाउ मैनी आर लेफ्ट? 1, 2. तो बाकी कितने बचे इस गर्ल के पास? 2 रुपीज़. 8 रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ थे, जिसमें से उन्होंने 8 रुपीज़ की अपने लिए बुक ख़रीद ली है. अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो बॉय है इसके पास कितनी मनी बाकी बचती है. इनके पास भी 10 रुपीज़ थे, इन्होंने अपने लिए 3 रुपीज़ का योयो परचेस किया है. इनके पास भी 10 रुपीज़ थे, इन्होंने अपने लिए 3 रुपीज़ का योयो परचेज किया है. अब हम 10 फिंगर्स ओपन करके 3 को कट करके देखते हैं कि आई हैव रुपीज़ डैश लेफ्ट, कि उसके पास बाकी कितने पैसे बचे हैं. नाउ ओपन योर फिंगर्स. 10 हैं ये हमारी फिंगर्स. अब हमने इसमें से 3 को कट कर देना है. 1, 2, 3. हाउ मैनी आर लेफ्ट? लेट्स काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हमारे पास बाकी कितने बचे? 7. इनके पास भी 10 रुपीज़ हैं, जिसमें से इन्होंने 6 रुपीज़ का अपने लिए फुटबॉल परचेस किया है. आइए हम देखते हैं इनके पास कितने रुपीज़ बचे. नाउ ओपन योर 10 फिंगर्स. हमारे 1 हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं और 5 दूसरे हैंड में. तो 10 फिंगर्स हमने ओपन की. अब हमने इनमें से कितनी कट करनी थी? 6. नाउ काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 जो है वो हमारी क्लोज हो गई हैं. हाउ मैनी आर लेफ्ट? 1, 2, 3, 4. तो आई हैव रुपीज़ 4 लेफ्ट. लेफ्ट का मतलब होता है बचे, बाकी इनके पास 4 रुपीज़ बच गए हैं. ये लास्ट बॉय है. अब हम देखते हैं इनके पास कितने रुपीज़ बचे हैं. इन्होंने अपने लिए हेयर ब्रश किया है, जिनकी प्राइस है ₹7. आई हैव रुपीज़ डैश लेफ्ट. नाउ ओपन योर 10 फिंगर्स. नाउ क्लोज योर फिंगर्स. 7 फिंगर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हाउ मैनी फिंगर्स आर लेफ्ट? 1, 2, 3. आई हैव रुपीज़ 3 लेफ्ट. तो हमने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है. हर बच्चे के पास 10 रुपीज़ थे, जितने की उन्होंने चीज़ परचेज की. 10 रुपीज़ में से 10 फिंगर्स ओपन करके हम लोगों ने इसको कट किया. तो बाकी जितनी फिंगर्स रह गई उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा. तो हमें पता चल गया कि इन बच्चों के पास बाकी कितने रुपीज़ बच गए हैं. प्यारे बच्चों, हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है. अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम कैप्शन पढ़ते हैं. फाइंड द कॉस्ट. फाइंड द कॉस्ट, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसकी हमने कॉस्ट निकालनी है. सबसे पहले पढ़ते हैं. ये हमारे पास चॉकलेट है, जिसकी रुपीस है 3. स्वीट्स रुपीस 2. तो सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि प्राइस पढ़ते हैं. ये हमारे पास कैंडी है, जिसकी प्राइस है 3 रुपीस. स्वीट्स रुपीस 2. जूस रुपीस 7. पॉप ऑफ रुपीस 4. अब
अभी हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं, उनके पहले हम सामने अमाउंट देखेंगे, फिर उनको हम प्लस करके टोटल निकालेंगे। पॉपअप की क्या प्राइस थी? 4 रुपीज। कैंडी 3 रुपीज। अब हम इसमें माइन और फिंगर वाला मेथड यूज करेंगे। तो ये हमारा 4 + 3 करना है हमने, तो हम इसको यूज करेंगे। 4 इज इन माय माइंड एंड 3 इज ऑन माय फिंगर। 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7। स्वीट्स की प्राइस क्या थी? ₹2। जूस 7। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। 2 इज इन माय माइंड एंड 7 इज ऑन माय फिंगर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ गई? 9। वेरी गुड। स्वीट्स क्या प्राइस थी? 2 रुपीज। पॉपअप 4 रुपीज। अब इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2 इज इन माय माइंड एंड 4 इज ऑन माय फिंगर। 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल ₹6। ये दोनों चीज़ें हमने 6 रुपीज में परचेज की हैं। कैंडी की प्राइस थी ₹3। जूस 7 रुपीज। सेम वैसे ही करेंगे। 3 इज इन माय माइंड एंड 7 इज ऑन माय फिंगर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट ₹10। प्यारे बच्चों, आपने इस पेज को बहुत अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।